खबर बैतूल से, जहां पर सिद्धि में बस दुर्घटना के बाद बैतूल आरटीओ आया एक्शन मोड में। हम आपको बता दें, मुलताई पहुंचकर जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में वाहनों की जांच की गई एवं साथ ही साथ चालानी कार्रवाई की गई है। मुलताई नगर में दिन में शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास जिला परिवहन अधिकारी रंजना सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आरटीओ बैतूल के अमले ने मुलताई पहुंचकर विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की। वहीं एक दर्जन से अधिक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं इस मुहिम पर जिला परिवहन अधिकारी रंजना कुशवाहा ने बताया है कि विगत दिनों सिद्धि में हुए बस हादसे के बाद परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर बैतूल के आदेश अनुसार वाहनों की जांच कर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जो निरंतर जारी रहेगी। आईबीएन 24 न्यूज के लिए रामचरण मालवी की रिपोर्ट। मैडम, जो ये अभी आपके द्वारा जांच चल रही है, इस विषय में जानकारी दीजिए। ये अभी जो सीधी का बस दुर्घटना हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार और कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार ये कार्यवाही निरंतर चल रही है पिछले 4 दिन से। और इसमें मुख्य रूप से जो बसें ओवरलोड हैं या जिनकी फिटनेस ठीक नहीं है, उनकी फिटनेस निरस्त और जो ओवरलोड हैं उन पर ओवरलोडिंग की कार्यवाही या फिर उनके परमिट निरस्त की कार्यवाही लगातार चल रही है। मैडम, जिले में कहाँ कहाँ ये कार्यवाही अभी शुरू की गई है आपके द्वारा? अभी ये कार्यवाही पिछले 3 दिनों में खेड़ी और शाहपुर, उसके अलावा बैतूल प्रॉपर और आज मुलताई में, और कल हमने आंवला जो तिराहा है वहाँ पे। धन्यवाद।